आई डोंट डू बोटॉक्स ऑब्वियसली यू कैन सी बट अगर आप बोटॉक्स कराना चाहते हैं तो क्या है वो पांच चीजें दैट यू शुड नो अबाउट वेदर यूर अ फर्स्ट टाइम यूजर ऑफ बोटॉक्स या बोटॉक्स रेगुलरली कराते हैं बोटॉक्स के हैं बहुत सारे साइड इफेक्ट्स कुछ डेंजरस हैं कुछ नहीं है डेंजरस बट आपके पास होनी चाहिए फुल इंफॉर्मेशन हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड माई नेम इज निपुन योर स्किन केयर बेस्टी नाउ अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट एंड टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट बोटॉक्स द

सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि बोटॉक्स है क्या वेल बोटॉक्स प्रोसीजर का नाम नहीं है बोटॉक्स है एक ब्रांड का नाम जो प्रोसीजर या जो इंग्रेडिएंट यूज होता है उसे हम यूज़ुअली कहते हैं न्यूरोटॉक्सिन्स या न्यूरो मॉड्यूलाइजर्स जो आपके मसल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं दैट इज नंबर वन बोटॉक्स के अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ये न्यूरो मॉड्यूलेटर्स को uh, बेचते हैं जो आपको आपके एस्थेटिशियन डर्माटोलॉजिस्ट के क्लिनिक में मिल जाता है सो दैट्स नंबर वन बोटॉक्स प्रोसीजर का नाम नहीं है बोटॉक्स है एक ब्रांड वैसे ही जैसे हम फोटो कॉपी कराते हैं पर सब लोग कहते हैं कि जीरोक्स करा दें जीरोक्स मशीन का नाम है प्रोसीजर का नहीं सो दैट इज अ लिटल बिट अबाउट बोटॉक्स राइट वॉट इज अरोटॉक्सिन वॉट इज अ न्यूरो मॉड्यूलेटर ये एक लिक्विड होता है जो आपके मसल्स में इंजेक्ट किया जाता है जिससे ये आपके एपिडर्मिस के नीचे मसल में इंजेक्ट किया जाता है जिससे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है जब मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है तो ऑब्वियसली बिल्कुल आपका अगर आप फोरहेड पे करा रहे हैं तो बिल्कुल स्ट्रेच्ड कोई रिंकल नहीं कोई लाइन नहीं यू लुक वेरी यंग एंड यू लुक वेरी वेरी यूथफुल आई एम थर्टी सेवन ईयर्स ओल्ड मैंने आज तक कभी बोटॉक्स नहीं कराया है एंड लिटरली आई कैन गेट बोटॉक्स फॉर फ्री बिकॉज आम अ कॉन्टेंट क्रिएटर आई हैव ओवर थ्री हंड्रेड थाउजेंड फॉलोअर्स ऑन टिक टॉक आई हैव अ डिसेंट फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम मुझे हफ्ते में एटलीस्ट एक या दो बार कोई ना कोई क्लिनिक दुबई का मैसेज करता है दैर आई शुड कम एंड ट्राई दे बोटॉक्स एन दे विल डू इट फॉर मी फॉर फ्री बट आई डोंट डू इट

प्रॉब्लम नंबर वन इतनी डेंजरस नहीं है बट यू नीड टू नो अबाउट इट एंड दैट इज बोटॉक्स इज एक्सपेंसिव बोटॉक्स वन एम के हिसाब से दिया जाता है चेहरे के अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग मसल्स में अब इसमें बात करते हैं प्राइसिंग की आप दुनिया में कहीं भी हो अच्छे क्लिनिक में थोड़े कम अच्छे क्लिनिक में बोटॉक्स की एवरेज कॉस्ट पर एम विल बी अराउंड हंड्रेड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी डॉलर राइट मैं डॉलर में बात कर रही हूं ताकि आप अपनी अपनी करेंसीज में कन्वर्ट कर लें सौ से डेढ़ सौ डॉलर कॉस्ट आती है बेसिक बोटॉक्स वन एम की अब अगर मेरे चेहरे की बात कर लें इस फोरहेड एरिया में कम से कम दो तीन एम लगेगा तो यहां हो गए तीन सौ डॉलर सौ के हिसाब से बात करते हैं इट्स इजी टू कैलकुलेट तीन सौ डॉलर यहां अगर मैंने कराया एक एक एम तो ये हो गया पांच डॉलर इधर थोड़ा सा कराया ये हो गया सात डॉलर ये सात डॉलर मैंने खर्च करे पहली बार ये मुझे लास्ट करेगा सिक्स मंथ एंड दैट इज प्रॉब्लम नंबर टू बोटॉक्स इज टेम्प्ररी ये आपको पहले यूज में चार से छह महीने मैक्सिमम लास्ट करेगा दूसरे यूज के बाद फिर चार से छह महीने बट सालों साल जब आप इसे यूज करेंगे आपकी बॉडी प्रोड्यूस करेगी रेजिस्टेंस और आ, प्रोड्यूस करेगी बेसिकली रेजिस्टेंस बिकॉज न्यूरोटॉक्सिन जो बोटॉक्स है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो है टॉक्सिन जब बॉडी में कोई भी टॉक्सिन जाता है हमारी बॉडी उसे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है ताकि वो टॉक्सिन काम ना करे तो पहले साल चले छह महीने चल गया फिर आपने दो बार करा लिया साल में सो लेट्स से कितना कैलकुलेशन हुआ था आपने कुछ 700 800 डॉलर खर्च कर लिए एक सेशन में तो दूसरे सेशन में सोलह सो डॉलर अगले साल आपको साल में तीन बार कराना पड़ेगा सो इट्स गोइंग टू बी अबाउट ट्वेंटी फोर हंड्रेड डॉलर एंड धीरे धीरे ये प्राइस बढ़ेगी ऑल्सो रिमेंबर वोटॉक्स पर एमएल की भी प्राइस बढ़ेगी सो यू आर रियली लुकिंग एट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अब हो सकता है कुछ लोग बोलें कि नहीं हम तो बस दो तीन साल कराएंगे बोटॉक्स उसके बाद नहीं कराएंगे मेरी जान बोटॉक्स इज वेरी वेरी एडिक्टिव जब एक बार आपको आदत पड़ जाती है अपने चेहरे को स्नैच्ड ब्यूटीफुल देखने की जैसे ही वो बोटॉक्स वेयर ऑफ करेगा यू विल रन बैक टू योर एस्टेसिएशन गारंटीड एंड यू विल इंजेक्ट सम मोर एंड इट जस्ट अ लूप यू आर स्टार्टिंग एंड दिस इज नॉट गोइंग टू एंड सो इफ यू आर डिसाइडिंग टू गेट बोटॉक्स रिमेंबर ये कोई एक बार एक साल दो साल की प्रॉब्लम नहीं है यू विल वॉन्ट टू डू बोटोक्स थ्रू आउट एंड लेट्स मेरा एग्जाम्पल लेते हैं आई एम थर्टी सेवन ईयर्स ओल्ड ओके एंड आई डिसाइड टू डू बोटोक्स वनस अयर और ट्वाइस अ ईयर सो आई एम लुकिंग एट टू थाउजेंड डॉलर टू थाउजेंड डॉलर्स अब तो दवाइयां भी ठीक ठाक हो गई हैं सो लेट से आई लिव टू सेवेंटी और मैं सेवेंटी तक बोटॉक्स नहीं कराती पर मैं कहती हूँ कि आई विल स्टॉप एट सिक्सटी okay so 60 minus 37 those many years into $2000 or more that is the lifetime investment it is a lifetime investment so like i said if i would decide to do this till the age of 60 then i'm essentially looking at about 15 16 years 17 years that i'm going to go through wherein i will be investing this amount every single month and ye amount barta 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 jayega. And अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर तीन पे लेट से आपने बोटॉक्स कराना छोड़ दिया आपने कराया तीन चार साल एंड यूर लाइक अभी बहुत हो गया अब हमें नहीं कराना अब आते हैं असली प्रॉब्लम पे जो है कि आपकी स्किन टोटली सैग कर जाएगी अब आप सोचें कोई भी मसल ये हमारे मसल में इंजेक्ट होता है राइट right? एंड इस मसल को फ्रीज कर देता है दैट मीन्स वी आर नॉट यूजिंग दैट मसल किसी भी मसल को बॉडी के किसी भी मसल को अगर आप लगातार यूज नहीं करते क्या होता है स्किन लटक जाती है अगर आप किसी को देखें जो वर्कआउट करते हैं जिम जाते हैं इफ़ यू सी देयर बॉडीज दे हैव हेल्दी मसल वेट दे हैव हेल्दी फैट उनकी बॉडीज टाइट स्नैच्ड होती हैं यही आप जिम विम जाना छोड़ दें घर पर बैठे कोई एक्सरसाइज नहीं करें आपके यहाँ से फ्लैश लटक जाता है नीज से हर जगह से यू नो यू जस्ट एवरीथिंग बिकम्स लूज वाई बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग द मसल सो लेट हैव डन बोटॉक्स फॉर एंड यू सडनली स्टॉप डूइंग बोटॉक्स आप अपनी एज से दस पंद्रह बीस साल ज्यादा ओल्ड लगेंगे बिकॉज नाउ आपकी बॉडी जिसको उस मसल को काम करने की जरूरत नहीं थी कभी भी अब सडनली उसे काम करना पड़ रहा है वो काम नहीं कर सकती है योर स्किन हैज बिकम सैगी इट हैज बिकम लूज एंड इट इज गोइंग टू लुक अट्रोशियस सो लेट्स से यू डिड बोटॉक्स इन योर ट्वेंटीज एंड यू डिसाइड टू स्टॉप इन योर थर्टीज इन योर थर्टीज यू विल लुक लाइक अ फिफ्टी ईयर ओल्ड इफ यू डिड इट टिल योर फिफ्टीज एंड यू स्टॉप इन योर फिफ्टी यू गोन लुक लाइक अ सेवेंटी ईयर ओल्ड एंड दैट इज वाई आई एम सुप्रीमली

ओके अठारह उन्नीस साल में कोई फर्क नहीं पड़ता टाइम एंड लाइक थर्टी फाइव बहुत फर्क पड़ता है सो बेबी बोटॉक्स इज अ नीड टू अंडरस्टैंडोलॉजिटल मनी सो दे रियली लुकिंग एट दीज यंग किड्स एंड सेंग आप बेबी बोटॉक्स करा लो एक और स्कैम जो शुरू हुआ है कि बोटॉक्स करा लो एक्ने ठीक हो जाएगा बिकॉज ऑयल ग्लैंड कंट्रोल हो जाएंगे विच इज करेक्ट ऑयल ग्लैंड कंट्रोल हो जाएंगे बट एट द कॉस्ट ऑफ वॉट इफ यू अ ट्वेंटी ईयर ओल्ड वचिंग माई वीडियो एंड इफ यू सीन एंड एड ऑन बेबी बोटॉक्स Darling, please know it's a scam because you don't want to look like फोर्टी when you're थर्टी You don't want to look like You know, 60 when you're 40, and that is what happens. So, baby Botox is a full scam. I do not recommend any young teenager, 20 year old, any of these young little girls trying to go for this treatment because it is a scam. problems us recap the problems. Number one, it is supremely expensive. Number two, it is a lifetime investment. Number three, when you stop it, your muscles, which have not worked, will sag and you will look.

अगर कहीं किसी गलत मसल में चला गया आपका बोटॉक्स योर फेस इज गोइंग टू लुक अ लिटल वियर्ड एंड एंडफॉर्म्ड एंड विच इज वाई वील सीन दिस 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 सीन सीन ऑन सेलिब्रिटीज सो मेनी पीपल डिड शी डू टू हर फेस शी इज लुकिंग सो डिफरेंट बेबी शी डिड बोटॉक्स एंड इट डिट काइंड ऑफ यू नो गो एज प्लैंड दूसरी चीज हो सकती है जिसमें आपके डॉक्टर का भी कंट्रोल नहीं है माना कि डर्मेटोलॉजिस्ट ने बिल्कुल सही जगह इंजेक्शन लगाया लेकिन फेस फेस है फेशियल मसल है बोटॉक्स शिफ्ट भी कर जाता है एंड विच इज वाई यू विल सडनली फाइंड टू बीयर गॉन हेयर एंड नाउ इज लुकिंग वेर इट मेनी पीपल आफ्टर लॉन्ग टर्म यूसेज गेट समथिंग ड्रूपी आईलेट आई नो वन लेडी पर्सनली शी वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई मदर एंड उनका इतना इशू हो गया था कि उनकी आई पूरी बंदी नहीं होती थी शीज टू स्लीप लाइक दिस स्लीप इन अ वेरी गुड वे आइज बंद नहीं होती हैं जूपी जूपी आईब्राउ बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसमें मोस्ट केसेज में इंजेक्टर की गलती होती है और काफी केसेज में इंजेक्टर की गलती नहीं होती बट आपका फेस तो खराब हो गया ना सो दैट इज समथिंग यू नी टू नो आई यू विलिंग टू टेक दैट रिस्क विद योर फेस एज फार एज आई एम कंसर्न इवन इफ समन पेज मी मनी आई विल नॉट वॉन्ट टू डू इट and that is my stand today the day i'm shooting this video but i don't think because after moving to dubai and i've been in dubai for so long and if you're watching me from the uae you know every second third person you see man woman little girls everybody done a procedure and and good sense prevailed i did not get into it and hopefully i never will so that's my problem number four botox can go really really long. really really wrong now let's Best case पैसे की आपके पास कोई कमी नहीं है, नहीं so, कमी नहीं है आपका इंजेक्टर अमेजिंग है आप लाइफ लॉन्ग इस प्रोसीजर को करा सकते हैं और अभी तक आपको कोई इस तरह का साइड इफेक्ट लाइक बोटॉक्स शिफ्टिंग ड्रूपी आईलेट ऐसा कुछ नहीं हुआ है वॉट इज प्रॉब्लम नंबर फाइव ये रेयर है वन केसेस में होता है जहां बॉडी आप बोटॉक्स को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ले नहीं सकती जिससे हो सकते हैं बहुत सारे डिसऑर्डर्स और बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आप डेवलप कर सकते हैं रैशेज नोजिया सम काइंड ऑफ फीवर फ्लू दीज काइंड ऑफ थिंग्स आपकी बॉडी बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे गाईज रिमेंबर इट इज़ अ टॉक्सिन राइट इट इज़ समथिंग दैट योर बॉडी डजेंट वॉन्ट इट इज़ समथिंग विच इज़ बैड फॉर योर बॉडी दैट यू आर इंजेक्टिंग इन टू योर बॉडी टू लुक गुड

लेजर सो बेसिकली इट्स अ लिफ्ट इट्स लाइक अ फेसियल जो आपके चेहरे को लिफ्ट करता है दैट इज समिंग आएम रियली कंसिडरिंग आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द राइट डर्मैक्ट्स एंड द राइट क्लिनिक टू डू इट इफ आई डू समथिंग लाइक दैट हंड्रेड परसेंट वीडियो बनेगी आई विल टेल यू अबाउट इट बट माई टेक ऑन बोट ऑक्स इज अ हंड्रेड परसेंट नो बट इफ यू वॉन्ट टू डू इट प्लीज गो है डू इट लिव योर लाइफ डू वॉट मेक्स यू फील ब्यूटिफुल बट बिफोर यू वॉक इन टू दैट क्लिनिक वॉक इन विद नॉलेज Knowledge is key, it will never fail you. I hope you enjoyed this video. If you did, do give it a thumbs up, subscribe to my channel. Let me know is there something else that I should cover? Any other cosmetic procedure that you want me to cover about? I will be more than happy to do it. Take great care of yourself. Remember to subscribe, hit the notification bell. I will see you on the next one. Bye.